रोटरी क्लब के नए सत्र की शुरुआत होने के अवसर पर गुरुवार को जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एडीजी अखिल कुमार सहित अन्य लोगों द्वारा पौधरोपण किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स डे एवं सीए डे के अवसर पर चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट गण को सम्मानित भी किया गया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि कोरोना के दौरान डॉक्टरों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा, बहुत डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी जान गंवा दी, जिनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। एडीजी जोन ने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए पौधरोपण का कार्य करना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि पौधरोपण तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसे संरक्षित रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी शुक्ला, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम राम रेका, राजू जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष सर्वेश दुबे तथा एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री एडीजी जो गोरखपुर जोन पधार चुके हैं, हम इस सदन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय के बारे में चर्चा कर रहे थे तो कहे बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हम अब भी खेलते हैं और वो परिलक्षित हो रहा है बिल्कुल उसी बचपन में। मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। हम सबसे पहले इस प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यानी कितनी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन सबसे विशेष बात यह है, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, कठोरता से ज्यादा हरी। तो जिस ऑफिसर के अंदर मानवीय संवेदनाएं होंगी और जो आम जनमानस के दिलों में अपनी पैठ बनाएगा, वही एक बेहतर अच्छा प्लेयर, अच्छा इंसान कहलाएगा। और हमारे अखिल कुमार जी जितना मैं कह रहा हूँ उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो करते हैं करने पर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और आम जनमानस के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे परिवार की ओर से शुभकामना आपको में होगा। बड़े हुए बच्चे हमें लगते हैं बहुत स्वागत। डॉक्टर दीपक और एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा, फिर पर आपको ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं। जनरल सेक्रेटरी जैसा साहब, प्रिंसिपल जी डी गोयनका स्कूल और यहाँ पे उपस्थित सभी रोटरियंस, मैं सर्वप्रथम सर्वेश भाई का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया और मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। सर्वेश भाई से मेरा जो नाता है काफ़ी पुराना है, करीब 14-15 साल से इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी, पहचान हुई थी, और कई साल बाद अभी वापस जब गोरखपुर आया हूँ, कई साल तो मैं ही राज्य सरकार में नहीं था, 10 साल से मैं बाहर था, फिर जब 10 साल बाद 2010 में निकला और 21 में आया तो सर्वेश भाई ने बोला मैं गोरखपुर में ही हूँ, तो जान के बड़ी खुशी हुई, मुलाकात करके खुशी हुई। आज डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है और उस मुझे सौभाग्य मिला कि कई डॉक्टर्स के साथ मुझे मेरी मैं समझता हूँ वक़्त नहीं है कि उनके सामने खड़ा भी हो सकूँ। इस साल डॉक्टर्स तो भगवान के रूप में थे, पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इस साल विशेष रूप से लोगों को ये एहसास भी हुआ, बहुत ही भयावह स्थिति से गुजरे हम लोग पिछले 2-3 महीने में, जो सेकेंड वेव था कोरोना का उससे, और हम और आपने देखा कि हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और भगवान के रूप में लोगों को यथार्थ रूप से दिखे जो बात कही जाती थी वो दिखा, भी सच्चाई में दिखा।
इंसिडेंटली वापस जिंदगी में जाता हूँ तो डॉक्टर्स कई रूप से सभी लोगों से जुड़े हैं, हमारे घर में भी जुड़े हैं, मेरी मदर डॉक्टर है, बिटिया मेडिसिन कर रही है, जीजा जी डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर्स की लाइफ से और उनकी जिंदगी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ। तो मेरी मदर मेरे को चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और 11वीं 12वीं में जैसा होता है कि वो प्रेशर था कि बेटा मेडिसिन करो। अब हमारे जैसा आदमी मेडिसिन करे ना करे, हम फादर इंजीनियर थे और हम थे थोड़े लफंगे टाइप के आदमी, तो पढ़ाई नहीं कर पाता था। मेडिसिन में बहुत डेडिकेशन चाहिए, हम लोग शॉर्टकट वाले आदमी थे, खेलना था और इधर उधर करना था, उतना टाइम नहीं दे पाते थे जो मेडिसिन के लिए कमिटेड आज चाहिए, पढ़ाई करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। एज डेस्टिनी वुड हैव इट मैं इंजीनियरिंग साइड चला गया, फिर बाद में पुलिस सर्विस आ गया। जब कोरोना काल हुआ तो एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला मुझे लाइफ पर कि क्या कुछ डिफरेंट किया जा सकता था क्या। और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि क्या कुछ और करियर ऑप्शंस हो सकते थे जो मैं अच्छा कर सकता था। चलो पुलिसिंग में आ गया मैं, एंड में लगता है कि बहुत ख़राब यहाँ भी नहीं किया, जितना बरसक अपने रूप से कर सकता था जनता के बीच में जाके एक पब्लिक सर्विस की आदमी जब ज्वाइन करता है सिविल सर्विसेज, तो एक मूल होता है कि हमें जनता की सेवा करना है, वो हमेशा मोटो होता है और इसीलिए आप सिविल सर्विसेज से रहते हैं। क्योंकि IIT करने के बाद सिविल सर्विसेज मुझे हमेशा अल्टरनेटिव करियर लगता था, बेस्ट करियर नहीं लगता था। मैं बाहर भी जा सकता था, मेरे सारे दोस्त मेरे कलीग्स बाहर चले गए, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं फिनेंशियली, बट हम ज्वाइन किए सर्विसेज फॉर डिफरेंट रीजन, मनी वॉज नेवर द क्राइटेरिया कि हम सर्विस में आना है। तो उस दृष्टिकोण से मैं सोचता था कि क्या पब्लिक सर्विस का कौन सा पहलू है जो कि बेटर हो सकता है, और उसको इस कोरोना में मैंने बड़े करीबी से देखा। मतलब डॉक्टर्स हैं फैमिली में, काम भी करते रहे हैं, बट मैं बहुत क्लोजली जब हम लोग इसमें आए, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बस दो ही तीन विंग काम कर रहे थे, जहां डॉक्टर्स काम कर रहे थे, हमारे पुलिस के लोग काम कर रहे थे, सफाई कर्मी काम कर रहे थे, बाकी स्टैंड स्टिल था सोसाइटी में। यहाँ तक स्थिति आ गई थी एट साइंस की लोग मरने के बाद आग लगाने वाले नहीं मिल रहे थे और हम लोगों को बंदे अपने भेजने पड़ रहे थे कि भाई चलो इसको आग लगा दो यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने देखा डॉक्टर्स की जो पब्लिक सर्विस है, जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब, मेरे दृष्टिकोण में डॉक्टर्स की जो कमिटमेंट है और पब्लिक सर्विस है, आउटरीच है, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हर प्रोफेशन में ऊपर नीचे लोग होंगे, हमारी 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती है, हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, बट ब्रॉडली एज ए प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और मैं डॉक्टर्स जो भी यहाँ पर हैं उन सब के सामने मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग, आने वाले वक्त में भी आपकी सर्विसेज बहुत ज़रूरत होगी। कोरोना में बार बार कह रहा था, कल भी एक कार्यक्रम में थी, कोरोना का सेकेंड वेव गया है, कोरोना नहीं गया है, और डिफरेंट फॉर्मेट में हिट कर रहा है, सोसाइटी में भी संशय बनी हुई है। वैक्सीनेशन, हम कंप्लीट वैक्सीनेशन से काफ़ी दूर हैं, सेफ्टी और हाइजीन की हमें इसको प्रिवेंशन कर सकता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जब तक लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाए और वैक्सीनेट के साथ साथ ट्रीटमेंट ना आ जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आगे हैं, आप लोगों की ज़रूरत सोसाइटी में आगे भी बने रहेगी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और हम लोगों को सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए आभार। दूसरा, मुझे आज बताया CA दिवस भी है, तो भाई माफ़ करिएगा, हमारे पास 2 CA भी थे यहाँ पर। CA मुझे लगता था सिर्फ माल पानी का वो है, विभाग है। अगर बचपन में करियर ऑप्शन में कहीं होता था तो उन लोग कहते थे कि बेटा कुछ नहीं, CA का एग्ज़ाम पास कर, वो बाकी ज़िंदगी मस्त रहेगी। तो आप लोग को भी बधाई। कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता, उसका किसी न किसी सिस्टम में उसका एक योगदान होता है। एक हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं, हर आदमी का अपना योगदान है। आई एम श्योर CA जो हैं फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने में और रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड करने में लोगों को मदद करते हैं। आप लोगों को भी आज के दिन में बधाई। मैं पुनः आपको, सर्वे जी को, सारे रोटेरियंस को, रोटेरियंस इन जनरल, मेरा भी अपना अनुभव रहा है कि रोटेरियंस का एक, जब भी बात आती है तो एक सेट ऑफ पीपल दिमाग में आते हैं जो पब्लिक सर्विस की तरह कमिटेड होते हैं,
हमेशा ऐसे लोग मैंने भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में कहा है, जिस स्केल पे रोटेरियंस को इंटरेक्ट करना था संभव था, वो स्केल मुझे दिखता नहीं अब। मैं जब शुरू शुरू में नौकरी में आया था तो रोटेरियंस ज़्यादा एक्टिव थे, प्रॉब्ली बहुत साल बाद मुझे फिर से रोटेरियंस से इंटरेक्ट करने को मिल रहा है। आई एम श्योर मेरी लर्निंग थोड़ी आउटडेटेड होगी। यहाँ पर जब इन्होंने ऑफर किया तो मैंने तुरंत हाँ कहा कि साहब रोटेरियंस जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके किसी भी काम में आ सकूँ, सहयोग कर सकूँ, तो मेरा स्वभाव होगा कि मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता है कि गोरखपुर चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है रोटेरियंस का, जैसा कि आपका नेटवर्क है कंट्री वाइड वर्ल्ड वाइड, उसमें आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रोटेरियंस से भी जुड़ा हुआ एक अपना अनुभव है मैं सुनाना चाहूँगा। रोटेरियंस एक स्कॉलरशिप देती है पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे जब मेरे साथ के लोग, जब मैं अपने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था तो सभी लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए, मेरे को भी बड़े मन था कि मैं बाहर पढ़ूं कहीं से, और पढ़ नहीं पाया। मदर बोली ना ना सिविल सर्विसेज को बाहर चले जाओगे, बेटा चला जाएगा ये वो, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं बाहर नहीं पढ़ पाया। फिर मुझे सिविल सर्विसेज देना पड़े तो इधर आ गए, तो वो कीड़ा था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी। तो 2007-08 के आसपास जब नौकरी के 14-15 साल हो गए थे तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कहाँ कहाँ से मुझे फंडिंग मिल जाए। तो रोटेरियंस का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसको आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो फिर मैंने उसमें, फिर क्या होता है रोटेरियंस ही कोई उसको वो रिकमेंड करता है। तो उन दिनों में गाजियाबाद में था, मुझे याद है 2009 में वहाँ SSP था। तो खैर वो अलग बात है कि मैं SSP था तो थोड़ा मेरी बात उन्होंने सुन ली और रिकमेंड कर दिया उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे तो स्कॉलरशिप चाहिए, आप रिकमेंड कर दो। तो उन्होंने रिकमेंड किया, फिर नेशनल कमेटी में चली गई थी, पर 10 से 8 मेरे को यूज़ नहीं करना पड़ा, मुझे डिफरेंट स्कॉलरशिप मिल गई और मैं पढ़ पाया फिर बाहर। मैं कहने का मतलब अगेन आपसे मेरा किसी ना किसी रूप से जुड़ाव रहा है, चाहे कि सोशल फ्रंट में रहो या आपने एजुकेशन प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स बनाई हैं उसके रूप में। मैं चाहूँगा कि गोरखपुर चैप्टर एक्टिव रहे, हम लोगों की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी एज ए डिपार्टमेंट एज ए इंडिविजुअल हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपकी इन जनरल जो हमारा बेसिक वर्क है, आपकी सुरक्षा, आपकी वेलबींग रहना, आप आराम से रहें, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जो हमारे रेल में आता है हम लोग हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे दोनों समाज के बड़े महत्वपूर्ण ड्राइंग रूम में और अपने ऑफिस की टेबल पे रख सकते हैं, जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लिए रहना कैलम तुम भैया कैलम ले दो भाई आज ये सत्र 21-22 का पहला सत्र था है और ये आज आरंभ है, और इसके ADG चीफ गेस्ट है अखिल कुमार जी। कोविड में हम लोगों ने ऑक्सीजन की महत्ता को समझा,
डॉक्टर्स की महत्व को समझा, तो डॉक्टर्स डे भी है और आज से सत्र आरंभ हो रहा है, तो पौधारोपण और डॉक्टर्स को सम्मानित करना और सीएस को सीए डे भी है तो उसको सम्मानित करना, ये सब उद्देश्य था। एक अच्छा फिजिकली रहे हम लोग मीटिंग में, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया कोविड का। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बधाई आप लोगों को इसे नए सत्र के लिए, रोटरी के हमारे सारे रोटेरियंस आप सबको बहुत बधाई बता पा। सर आपके द्वारा डॉक्टर को सम्मानित भी किया गया, पौधारोपण भी किया गया। देखिए रोटेरियन क्लब जो गोरखपुर चैप्टर हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया था डॉक्टर्स डे पे वृक्षारोपण का, और उसमें आमंत्रित किया था, तो एक अच्छा कार्य था जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर्स को हम लोग ने आभार व्यक्त किया है। आज इस वर्ष कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और इस कठिन समय में डॉक्टर्स ने एक भगवान के रूप में सबकी मदद की है, तो उनको आभार व्यक्त किया गया है इस उपलक्ष्य पे। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो रोटेरियंस ने वृक्ष लगाने का काम किया है ये जीडी गोयनका स्कूल में, उसमें हम लोगों ने भाग लिया है। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ आए थे रोटेरियन के प्रेसिडेंट सर्वेश भाई, पुराने जानने वाले हैं, उन्होंने अनुरोध किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ उसका।